ये पहले ही फाइनल था कि समझौता चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा थोड़े टाइम में ही बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता किया और चुनाव से पहले ही समझौता टूट गया। उसके बाद उन्होंने राजकुमार सैनी के साथ समझौता किया, राजकुमार सैनी और बीएसपी ने मिलकर समझौता चुनाव लड़ा और रिजल्ट आपके सामने, जो रिजल्ट आपके सामने आया तो कुछ दिन के बाद वो समझौता भी टूट गया। अभी चुनाव से पहले उन्होंने जेजेपी के साथ समझौता किया और वो समझौता चुनाव से पहले ही टूट गया, क्योंकि सिद्धांतिक तौर पे कोई समझौता नहीं था, किसी सिद्धांत पे समझौता नहीं था, केवल स्वार्थों पे आधारित समझौता था। हाथी ने पहले जो साइकिल थी उसको पंचर किया, इतना दबाव साइकिल के ऊपर डाला कि वो साइकिल ही टूट गया। फिर हाथी ने चश्मे को तोड़ दिया और वो चश्मे वाले बेचारे अभी तक उनकी होश नहीं आई। अब हाथी ने जो चाबी थी वो चाबी अपने पास खींच ली और जेजेपी जो है वो अब पछता रही है कि हमने ऐसी गलती क्यों की। अदा है कि मायावती जी कोई भी स्टैंड ले पाने में सक्षम नहीं है। जब से उनकी पार्टी की हार होनी शुरू हुई है वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, डेस्परेट हो चुकी हैं और वो मानसिक रूप से कोई भी सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि बार बार वो गठबंधन करती हैं और बार बार तोड़ती हैं। नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की राजनीति करती है, डराने धमकाने का काम नहीं करती। वो अपने वजन में अपने किए हुए कामों से परेशान है कि अगर सरकार ने जिस गति से जांच करवा रही है और जांच में मैं कहीं उलझती फंसती हूँ तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि चिदंबरम जी आज जेल में, कुछ नेता इनके बेल पर हैं और डी शिव कुमार भी अभी ईडी की कस्टडी में है। तो जिस नेता ने जैसा कर्म किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। आज तक इतना सम्मान शायद ही आज तक किसी पार्टी ने ऐसे उसमें मतलब दिया हो जितना भाई दुष्यंत ने दिया। यहाँ तक जो उनके आदरणीय अपने डॉक्टर मेघराज जी थे, डॉक्टर प्रकाश भारती जी थे, जो भी उनके सीनियर लीडर थे, अपने से ज़्यादा लोगों में प्रपोज, जनता में प्रपोज, मान सम्मान की अपनी पगड़ी भी मतलब तार तार कर उनके सर पर रखी। अगर जो वो मान सम्मान की बात बहन जी कहती है कि भी हमारे से अब लोगों ने मान सम्मान, उनका नार्को टेस्ट करवाया कर देखो, जो 100% लोग उनके नेता दुष्यंत के उसमें पक्ष में ना हो। ठीक है, जो दो बात बहन जी ने कही इस पर मतलब लोग संतुष्ट नहीं है। मान सम्मान की बात कही, इतना मान सम्मान कोई दे नहीं सकता जितना दुष्यंत भाई साहब ने इनसे एहसास करवाया। दूसरी बात जो सी उन्हें कही कि भी हमारा परसेंटेज ज़्यादा, हमारी सीटा ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, परसेंटेज तो इन्हें बैठ कर कराया। अगर जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की 2% वोट आती हो और हमारी क्षेत्रीय पार्टी की 6% वोट हो तो फिर तो जो इन्हें रेसो बनाई थी वो ठीक बनाई थी।